सारे भाइयों को जय जाट। भाइयों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कृपया पूरी वीडियो सुने और ध्यान से। भाई, जो आजकल देश में मुद्दा चल रहा है पहलवानों वाला, आप सब देख रहे होंगे, बिल्कुल मामला बिल्कुल खराब हो चुका है। पहलवानों को सड़कों पर रगड़ा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, उनसे मेडल वापस मांगे जा रहे हैं। पहलवानों ने फैसला भी लिया कि हाँ, मेडलों को हम गंगा में बहा देंगे। फिर भी भाई, कोई व्यक्ति इस बारे पे सरकार का बोलने को तैयार नहीं है। और बात सरकार की तो छोड़ो, सरकार तो हमारी क्या होगी, सरकार तो शुरू से ही हमारे खिलाफ़ चलती आई है। अब बात करता हूँ मैं अपनी बिरादरी की, जाट बिरादरी की, जाट कौम की बात करते हैं हम अपनी। हमारी कौम सबसे ज़्यादा झंडा उठा रही है संघ का, सबसे ज़्यादा झंडा आरएसएस का उठा रही है, सबसे ज़्यादा झंडा हिंदुत्व का उठा रही है, सबसे ज़्यादा साथ हिंदुत्व का देती आई है। पर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ी, तुम्हारा साथ दिया कभी हिंदुत्व ने? एक भी ऐसा हिंदूवादी संगठन बता दो जो जाटों ने कोई आंदोलन करा हो, तुम्हारी सपोर्ट में कोई एक भी हिंदूवादी संगठन आया हो। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में जाट समाज अकेला लड़ा, 2016 में जाट आंदोलन, जाट समाज ने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी, किसान आंदोलन हुआ उसमें अपनी लड़ाई अकेले लड़ी, और अब पहलवानों के आंदोलन में अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। तुमको कभी आतंकवादी बतामे हैं, खालिस्तानी बतामे हैं, देश विरोधी बतामे हैं, और फिर भी तुम हिंदूवादी, हिंदुत्व 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 का ढोल पीटते डोल रहे हो। समझ जाओ, समय है, कौन अपना है कौन पराया है। जब हिंदुत्व को तुम्हारी जरूरत होती है तो जब तुमको हिंदू बनाकर दिखाया जाता है, जब तुमको हिंदुत्व की जरूरत होती है तो कोई हिंदूवादी नेता, कोई हिंदूवादी संगठन तुम्हारा साथ नहीं देता, हर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तुमको आतंकवादी कहते हैं, तुमको देश विरोधी कहते हैं, और जितने भी सत्ता में जाट बैठे हुए हैं ना, सत्ता में जितने भी जाट बैठे हुए हैं, जाट नेता जितने भी हैं, जितने भी ये भाजपा के पिछवाड़े की पूंछ बने डोल रहे हैं, उनसे एक ही बात कहेंगे, कौम को तुम्हारी जरूरत है, कौम के पास आ जाओ, वरना कौम ने तुमको बनाया है, तुमने कौम कौम को नहीं बनाया, तुमको कौम ने बनाया है, तुमको पदों पर हमने बैठाया है, कौम ने बैठाया है। इस चीज़ का नतीजा भी तुम्हें जल्द दिखा देंगे कि देश की बेटियों को तुम्हारी जरूरत थी, किसान आंदोलन में जब हमको तुम्हारी जरूरत थी, जब तुमने हमारा साथ नहीं दिया, अब देश की क्या बेटी कहूँ, तो देश की बेटी कौन मान रहा है, अब तो हमारी कौम की बेटी है। अब जब अपनी बेटियों के तुम समर्थन में नहीं आ रहे तो तुम्हारा क्या जीना, किस बात के कौम के नेता हो तुम, किस बात के जाट हो तुम, अरे डूब मरो तुम, शर्म करो कुछ, ठीक है ना। ओ भाई, हल्ला मचा रहे हैं सब के ये हो रहा है, पैसे वापस कर दो, पैसे वापस कर दो, मेडलों के पैसे वापस करो। अरे जो तुम्हारे वो क्या कहूँ, तुम्हारे जीजा लगे हैं वो देश को, जन कै 1000 करोड़ रुपए लेके भग गए देश का, उन पैसे भी वापस मांगा कभी पैसा, उनके बारे में कहा कि उन पैसे पैसा वापस ले लो, जिन कितने 1000 करोड़ लेके भग गए, नीरव मोदी, विजय माल्या, जिन कितने ऐसे, उनसे पैसे मांगने की तो हिम्मत नहीं है। पहलवान पैसे वापस कर देंगे, अरे पैसे भी वापस कर देंगे तुम्हारे, ठीक है ना। और पर भाई, जाटो एक हो जाओ, समय है, तुम्हारी कौम का अंत निश्चित है, यही ढंग रहे तो तुम्हारे सीधा सीधा विशेष जाति को टारगेट करा जा रहा है, सीधा सीधा विशेष जाति को। और भाई, जिस भाई को मेरी इस वीडियो पे आपत्ति हो, भाई बिल्कुल वीडियो ना देखे, कोई दिक्कत ना है, बेशक अनफॉलो मार दे, कोई ज़रूरत ना, भाई कौम के साथ था, कौम के साथ हूँ और कौम के साथ रहूँगा, और मैं हिंदू होने से पहले एक जाट हूँ। सब भाई इस बात का ध्यान रखेंगे, तुम हिंदू होने से पहले एक जाट हो, तुम्हारी कोई धर्म है ना कोई, तुम बस तुम एक एक तुम एक नस्ल हो, नस्ल, और तुम्हारी नस्ल को मिटाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल समझ जाओ, सुधर जाओ, अभी वक्त है। अरे यार, तुम डूब मरो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सड़कों पर लुटाई जा रही है, भरे बाजार उनको बहनचो सड़कों पर खिचेड़ा जा रहा है, उनके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, फिर भी तुम नहीं जग रहे यार, क्या खून पानी हो चुका है इतना, जाट कौम का खून इतना पानी हो चुका है, जाटों का खून इतना पानी हो चुका है कि अन्याय के खिलाफ बोल नहीं सकते तुम, अब शांत क्यों पड़े हो भाइयों, जाग जाओ। और जिसको भी भाई, अब भी जिसका जमीन नहीं जग रहा ना, तो एक बार जाकर अपना डीएनए चेक करवा लो, तुम जाट की औलाद हो या ना हो, ठीक है ना। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर नहीं सब ज्ञान पेरन लगेंगे, ठीक है भाइयों, जय जाट।